अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे प्लम केक यानी के फ्रूट केक। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कप टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, आधा कप चेरी मैंने इसको चॉप कर लिया है, आधा कप खजूर इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, आधा कप किशमिश इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। बहुत बड़े बड़े थे इसलिए मैंने इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून सुल्ताना यानी कि काली किशमिश, 2 टेबलस्पून कटे हुए काजू, 2 टेबलस्पून कटा हुआ पिस्ता, 2 टेबलस्पून चार मगज यानी कि खरबूजे के बीज, 1 टेबलस्पून कद्दू के बीज यानी के पम्पकिन सीड्स, 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स यानी के तरबूज के बीज। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ग्रेप सिरप मिलाएंगे, एक घर का बना ग्रेप सिरप है। इसकी रेसिपी की लिंक चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे फ्रेश नींबू का जूस मिला रही हूँ 100 ml जितना। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे सोख होने के लिए। अब 3 घंटे हो चुके हैं, हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से सोख हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे। अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे, मैं यहाँ पे 1 कप सॉफ्टेन बटर ले रही हूँ, ये होममेड बटर है, मैंने इसको घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी की लिंक चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और 1/3 कप सफ़ेद मक्खन, ये भी घर का बना हुआ, ये बफलो मिल्क का बना हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 कप शक्कर ले रही हूँ यानी कि शुगर पाउडर, अब इन दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। देखिए शुगर पाउडर अच्छे से सॉफ्ट और फ्लफी हो चुके हैं। अब इसके अंदर 2 अंडे डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा क्रीमी मिक्सचर बन चुका है अंडे और बटर का। इसके अंदर एक छन्नी रख रही हूँ, मैं यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया हुआ है, इसी कप से मैंने नाप लिया है 2.5 कप। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे,
1/4 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची डालेंगे, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर सिनेमन पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना जायफल डालेंगे। इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड में। अब यहाँ पे मैं मिल्क ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। से फोल्ड हो चुका है। हम इसके अंदर सोक किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब एक केक टिन लेंगे, इसको थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर एक बटर पेपर रखकर इसको भी ग्रीस कर लेंगे। इसके अंदर केक का मिक्सचर डालेंगे। अब बैटर को थोड़ा टैप कर लेंगे। मैंने एक कुकर में नमक डालकर प्री हीट होने के लिए रखा था 10 मिनट के लिए। अब इसके अंदर केक टिन रखेंगे, रखकर कुकर को बंद कर देंगे। मैंने इसके अंदर से वाशर निकाल दिया है और सीटी भी निकाल रही हूँ। 5 मिनट हाई फ्लेम में रखेंगे, 5 मिनट के बाद स्लो फ्लेम में 40 मिनट तक बेक करेंगे। अब 40 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेंगे। देखिए नाइफ कितनी क्लीन निकली है, इसका मतलब केक पक चुका है। केक टिन को बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे वायर रैक पे। अब केक के ऊपर एक कपड़े से ढक देंगे। इस तरीके से ढक के रखने से केक सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहेगा और इसको आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है, हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब एक चाकू की मदद से केक को अलग कर लेंगे किनारों से। ऐसे तो केक ठंडा होने के बाद अपने आप अलग हो जाएगा, फिर भी बचा कुचा हो तो निकल जाएगा इस तरह से। ये देखिए, अब इसके ऊपर का बटर पेपर निकाल देंगे।
इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब केक को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्लम केक कितने अच्छे से बन चुका है और कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लम केक यानी कि फ्रूट केक बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।